Hello everyone, welcome back to a brand new vlog. I hope you guys are doing well and Eid Mubarak to all of you. Okay guys, so it's a Eid Day 3 vlog. आज ईद का तीसरा दिन है और आज है हमारे घर दावत. पहले दिन हम लोग नानों के घर चले गए थे एंड दूसरे दिन हम लोग खाला के घर चले गए थे और आज ईद का तीसरा दिन है और सारी जो फैमिली है ना, खाला की भी और नाना की भी, वो आज हमारे घर आ रहे हैं. हमारे घर में दावत है, गेट टुगेदर होगा, बहुत मज़ा आने वाला है. एंड ना मैं थोड़ी सी डाउन फील कर रही थी, सो मैं आज लेट उठी हूँ. मैं 10 बजे उठी हूँ और मेहमानों को हम लोगों ने टाइम दिया था 9 बजे का. खैर मैं 1 घंटा लेट उठी हूँ लेकिन अभी तक गेस्ट भी नहीं आए. अभी सिर्फ नाना बुआ आए हैं तो मैं उठी हूँ और मामा ने यहाँ पर सारी प्रिपरेशन की हुई है. मामा 4 बजे की सुबह से उठी हुई हैं एंड आज बनाया मामा ने बोंग पाए का सालन. खैर पाए जो है ना थोड़े बहुत ही होंगे मेरे ख्याल में, या नहीं है, सिर्फ बोंग का सालन है. एंड बकरा ईद है तो उसकी तो ये सौगात है, लेकिन वो अलग बात है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी गर्मी में ना पाए नहीं खाने चाहिए, लेकिन बकरा ईद पे थोड़ा बहुत चलता है. सो हम लोगों ने ऐसी शीसी ऑन कर ली है ताकि ज़्यादा जो है ना, मतलब कंपनसेट हो जाए, क्योंकि खाना जो है ना वो थोड़ा सा गर्म है. और दूसरा हम लोगों ने ना एंड पर लस्सी शस्सी पी लेंगे या फिर कुछ ठंडा ठंडा खा लेंगे, जिससे जो है ना इसका जो तासीर होती है गर्म वो ख़त्म हो जाए. सो अभी नाना बू हैं एंड नाना बू के लिए स्पेशली ब्राउन ब्रेड, क्योंकि नाना बू जो है ना डाइटिंग कर रहे हैं. खैर अभी ना अंदर लेकर चलते हैं, नाना बुक लिए खाना लगाते हैं. जैसे जैसे बाकी सब आते रहेंगे ना तो हम लोग उनके लिए भी खाना लगाते रहेंगे. सो आज की रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिजी है, बस सारा कुछ ना अच्छे से हो जाए. एंड नाना अबू ना बहुत मज़े की रोटियां लगवा कर लाए थे, खमीरी रोटियां घर के आटे की, तो साथ वो है, साथ है बोंग का सालन, साथ हम लोगों ने बनाई है टमाटर की चटनी, ताकि जो है ना अच्छा सा हेल्दी सा खाना हो जाए. एंड साथ यहाँ पर है फ्राई अंडे. और अभी ये सारा कुछ जाके लगाते हैं और थोड़ी देर में बस बाकी सब भी आने वाले हैं और उसके बाद जो है ना प्रॉपर जो दावत का सीन होता है वो ऑन हो जाएगा और तब शायद मैं व्लॉग ना बना पाऊँ. तो यार सारे आ चुके थे एंड अभी ना सबके लिए चाय बन रही है और माशाल्लाह से हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, माशाल्लाह. सो हर चीज़ ना थोड़ी बड़ी मेकदार में, सो ये हम लोग खाने वाली हांडी में ना चाय बना रहे हैं आज. सो आज थी मेरी मम्मा की बर्थडे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले व्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जो थे ना गिफ्ट्स लेकर आए थे मम्मा के लिए. विश तो हम लोगों ने मामा को कल रात ही कर दिया था 12 बजे, लेकिन ना अभी जो था सारी फैमिली आई हुई है. हम लोगों ने रात को 12 बजे पेस्ट्री कट कर ली थी, क्योंकि हम लोग पहले ही नानों के घर से जो ना हमारी दावत थी तो हम लोग सारे फुल होकर आए हुए थे और इतना ज़्यादा फैट होता है केक में, तो हम लोगों ने एक पेस्ट्री कर ली थी, साथ में रसमलाई मामा की फेवरेट. एंड अभी 19 है तो अभी मामा की सारी फैमिली आई हुई है, ऑब्वियसली हमारी फैमिली आई हुई है, सारे गेट टुगेदर हुआ हुआ है, तो अच्छा लगेगा मामा की बर्थडे सेलिब्रेट करना और मामा भी ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगी. सो अभी ना सारे सेट वगैरह हो गए, हम लोगों ने LED में सॉन्ग लगा लिया बर्थडे और अभी केक शेक भी आ चुका है जो कि मामू लेकर आए हैं और अभी हम लोग ना ये कट करने लगे हैं और मामा की बर्थडे करने लगे हैं. एंड ये है जी देसी फैमिली की क्यूट सी रिचुअल, कि पहले सारे बच्चे किसी की भी बर्थडे ना तो सबसे पहले सारे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, और फिर केक कट किया जाता है. तो अभी वही हो रहा है, सारे बच्चों को जो है ना बुलाया जा रहा है केक कट के लिए और सारे बच्चे ऑलमोस्ट आ चुके हैं एंड अभी हो रहा है केक कट और सब जो है ना बहुत ही मज़े का सीन था. एंड मामा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, क्योंकि जब सब अपने मतलब सारे चाहने वाले हों या जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपके बर्थडे पर होते हैं, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होता है. तो अभी ना यहाँ पर केक कट हो रहा है एंड यहाँ पर हम लोग खीर भी ले आए हैं, तो केक शेक जो है ना अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कट हम लोगों ने कर लिया था. एंड ये शरारती बच्चा केक खाने के बाद इसकी हालत देखें, तो ये अभी जो है ना केक शेक खा के हम लोग बैठे थे, चाय शाय पी हम लोगों ने एंड अभी हम लोग मैंगो खा रहे हैं और फिर हम लोग एसी चला के बैठ गए थे. सब जो गेस्ट वगैरह है ना वो अपने घर चले गए थे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी दूसरी दावत पर. आज थी भाई और भाभी की शादी की दावत है गाँव में, उस गाँव का नाम है रोड़ा पिंट मतलब कुछ समथिंग लाइक दैट, तो वो हेयर पिन के आगे है इतना मुझे याद है. खैर अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, भाई वगैरह दूसरी गाड़ी में, हम लोग इस वाली गाड़ी में जा रहे हैं और अभी ना ऑन द वे. और मौसम अचानक से इतना अच्छा हो गया था यार, जब हमारे घर में दावत थी ना सुबह सुबह तो बहुत शदीद गर्मी थी, मतलब इतनी शदीद गर्मी थी कि हमारे सारे AC ख़राब हो गए थे. ख़राब नहीं, मतलब कह सकते हैं कि कोई कूलिंग नहीं कर रहे थे और हमें तो यही लग रहा था कि ख़राब हो गए, लेकिन पता नहीं क्या सीन था क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी. तो अभी ना मौसम अचानक से इतना मज़े का हो गया, तेज़ आंधी चलने शुरू हो गई है. एंड जब हम लोग गली से निकल रहे थे ना अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, तब तो इतना ज़ोर का तूफ़ान आया था, लेकिन वो तूफ़ान रुक गया, लेकिन अभी अच्छी अच्छी सी हवा चल रही है. सो आई होप कि मतलब ये जो हमारा टूर है ना, ये जो सफ़र है वो मज़े का गुजरने वाला है. सो वी आर ऑन द वे.
सो ड्राइव मामू कर रहे हैं एंड साथ नाना बू बैठे हुए हैं एंड सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना नाना बू के साथ ट्रैवल करने का ये आता है कि नाना बू ना रास्ते में सारा बताते जाते हैं, मतलब सारी जगहों की हिस्ट्री के यहाँ पर मतलब ऐसे होता था तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि नाना बू जो है ना मोस्टली उन्हें हर चीज़ की सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें बताते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं और मुझे रास्तों का भी नाना बू से पता चला, नहीं तो मैं यहाँ पर आई गई सेकेंड टाइम जा रही हूँ इस वाले गाँव में, एक बार पहले भी गए थे। ये जो हम जा रहे हैं ना ये मेरे मामू के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने की थी दावत, तो अभी ना यहाँ पर हम लोग पहले भी गए हुए हैं लेकिन आज मुझे सारे याद हो चुका है क्योंकि नाना बू जो है ना सारा गाइड करते करते जा रहे हैं एंड ये विलेज ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में ना हम लोग उधर होंगे। तो शुक्र है मौसम अच्छा हो गया और वहाँ जाके जो है ना लड़कों ने तो एंजॉय करने क्योंकि वहाँ पर अभी इनकी पूल पार्टी चलेगी, पूल पार्टी इन अ सेंस के 12 ऑब्वियसली जो गांव की सौगात होती है किस्म की जिसे कह सकते हैं, और वहाँ पर शायद हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा गांव नहीं है, वो मामू के फ्रेंड हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब इस तरह से हम लोग उनके घर में होंगे और ये लोग जो है एंजॉय करने जाएंगे। सो हवा शवा तो चल रही है लेकिन जो पूरे दिन की एक गर्मी थी ना उससे काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन हुई हुई थी, तो गाड़ी मतलब अच्छी खासी चिल हुई हुई है तो बस गाड़ी से निकलने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि बाहर अभी भी थोड़ी सी ना जिसे कह सकते हैं सफोकेशन है। सो अभी ना हम लोग यहाँ पर रुके हैं, मामू गए हैं और नाना बू गए हैं जूस बनवाने, गन्ने का जूस जो कि मामा को बहुत पसंद है लेकिन मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है क्योंकि बहुत मीठा होता है, लेकिन मामा कहती हैं कि हेल्दी होता है और मतलब अच्छी चीज़ है और रिफ़्रेशिंग होता है। सो अभी ना मामू वगैरह वो लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग ना भाई वगैरह का भी वेट कर रहे थे, अभी हम लोग बैठ कर ये पियेंगे तब तक जो है ना भाई की गाड़ी भी आ रही क्योंकि भाई वहाँ पर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो इसलिए ना भाई को सही से रास्ते वगैरह नहीं पता और हम लोग उनको गाइड करेंगे। तो अभी उनकी गाड़ी का वेट हो रहा है और यहाँ हम बैठ के अपना जो है ना गन्ने का जूस एंजॉय कर रहे हैं और ये वाला गन्ने का जूस सच में मज़े का था क्योंकि मामू ने ना इसमें और कुछ चीज़ें ऐड कराए थे जैसे कि अदरक और मतलब इस तरह की और कुछ चीज़ें, सो ये टेस्टी था। वैसे मैं नॉर्मली पीती नहीं हूँ। सो अभी ना भाई वगैरह आ गए थे, उन्होंने हमें क्रॉस कर लिया था बल्कि वो हम लोग उनका वेट कर रहे थे, वो लोग आगे निकल गए थे। सो अभी हम लोग भी जा रहे हैं, हमने जो है ना रूफ टॉप खोल लिया है, फुल इन्जॉय करते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वेदर एकदम से बहुत मज़े का हो गया था, पहले पीछे भी हवा थी लेकिन यहाँ पर आके तो ना बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था और यहाँ पर रोड भी बहुत मज़े की थी, साइड पर खेत आना शुरू हो चुके हैं, हम लोग हेयर पेंट में आए गेस और नेक्स्ट जो है ना वो रोडा पेंट में ना एग्जैक्ट मामा से पूछ के बताऊँगी क्योंकि मुझे याद नहीं है रोडा पेंट है या कुछ और है। तो यहाँ पर आके ना अचानक से सीन बहुत मज़े का हो गया था, दोनों तरफ हम लोगों के खेत हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी, रिफ्रेशिंग जो है ना यहाँ का माहौल था एंड गांव वाली वाइब आना स्टार्ट हो गई है एंड आप लोगों को तो पता है यार मुझे गांव की वाइब कितनी पसंद है। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर, अभी थोड़ी ही देर बाद ना जहाँ पर हम लोगों ने जाना जिस गाँव में वो आ जाएगा, बल्कि आई गेस आ चुका है और बस हम उनके बस हाँ आ चुके हैं, हम उनके बस घर जाने का वेट कर रहे हैं, अभी हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं और बस पहुंचते हैं तो फिर आप लोगों को वहां जाके भी दिखाती हूं। एंड आई होप कि आज का जो टूर है ना बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि मैं पहली बार जब यहां पर आई थी ना तब वाला जो एक्सपीरियंस था वो लाजवाब था, तब हमें इतना मज़ा आया था, हम लोग खेतों में घूमे थे, सारे हम लोगों ने खेत इंजॉय किए थे, वहाँ पर फ्रूट्स के बाग्स हैं वो हम लोगों ने देखे थे, इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर जो है ना खेतों में ही बैठकर चाय पी थी, गर्मा गर्म गाँव की चाय जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना प्योर चाय वो वाली पी थी, कड़क चाय। सो अभी हम लोगों ने आई होप आज भी उतना ही मज़ा आए, और तब भी मतलब हम लोग गर्मियों में गए थे, हम लोग जब भी जाते हैं ना गर्मियों में जाते हैं और अचानक से वहाँ जाके मौसम अच्छा हो जाता है, तो लेट्स सी कि आज क्या होता है क्योंकि अभी फिर से यहाँ पर गांव में आके ना दोबारा से गर्मी थोड़ी सी स्टार्ट होना शुरू हो गई है, हवा जो थी चल रही बहुत अच्छी वो रुक गई है, खैर मेरे ख्याल में यहाँ पर मतलब मौसम ठीक नहीं हुआ होगा, हमारे लाहौर में जो था ना मौसम अच्छा हो गया था। तो हम तकरीबन उनके घर पहुंच चुके हैं एंड भाई का अभी कुछ पता नहीं है वो किधर हैं क्योंकि वो हम लोगों को क्रॉस कर गए थे लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में वो लोग पहुंचे नहीं हैं, एंड नाना को यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि मतलब तुम लोग पूछ के तो जाओ, ऐसे निकल गए हो आगे और पता नहीं कहाँ, मतलब अभी ना नाना को उन्हें कॉल कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम लोग पहुँच चुके हैं और वो लोग किधर हैं। सो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बच्चे सामने खेल रहे हैं, बकरियाँ जो है ना वो चल रही हैं, बकरियों के साथ खेल रहे हैं और बाहर जो है ना लोग अपने घरों से निकल के सारा बहुत मतलब ना प्योर जो है ना वो सीन है सारा। एंड मज़े की बात बताऊँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी तक घर में किसी को नहीं बताऊँ, मैंने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया हुआ क्योंकि घर में बने हुए थे बोंग और मैं जो है ना गोश्त खाती नहीं हूँ,
एज यू गाइज नो, क्योंकि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, दो व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैं सिर्फ मतलब राइस वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन सालन में तो मैंने वो भी नहीं खाया। इसके अलावा मैंने सुबह हम लोगों ने जो मतलब गोश्त नहीं खाते ना, उन हजरात के लिए हम लोगों ने अंडा ब्रेड बनाया था, लेकिन अंडा मेरा खुद बनाने का दिल नहीं कर रहा था एंड फ्राई अंडा बना था, सो मैंने वो भी नहीं खाया। मैं फ्राई नहीं खाती, मैं स्क्रैम्बल एग खाती हूँ, ये भी आप लोगों को सबको पता है। सो अभी ना मैं, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी एंड जूस वगैरह पीकर ना मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ, और सुबह से मुझे ना मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो अभी मेरा ना थोड़ा बहुत मतलब ठीक हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा सो भी गई थी गाड़ी में, और अभी जो मैं उठी हूँ तो हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं गाँव में। सो मतलब मेरा सफ़र जो था ना वो अच्छा गुजर गया था। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये सामने जो आप लोगों को घर नज़र आ रही है उनका, एंड यहाँ पर घर के सामने इनकी जो है ना बकरियाँ जो हैं ये खेल रही हैं, और मतलब ऐसे ही फिर रही होती हैं गांव में तो। और ये है जी इनका घर, अभी सब जो है ना मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो बकरी है और उसका बच्चा जो है आगे जाके दो खेल रहे हैं, ट्विंस बेबी थे इस बकरी के। और अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, जब मैं पिछली बार आई थी ना ये घर बिल्कुल डिफरेंट था, हम लोग एंटर होते थे एंड सामने जो था ना एक बड़ा सा ग्राउंड होता था, सामने एक कमरा होता था, और अभी जो है ना ये घर बिल्कुल चेंज हो चुका है, और काफ़ी मतलब जो है ना इसमें चेंजिंग आ चुकी है। खैर अभी ना हम लोग ऊपर आ चुके हैं एंड मर्द हजरात जो थे वो यहाँ से अलग हो गए थे हमारे से, तो अभी हम लोग यहाँ पर बोटल शोटल पी रहे हैं, सरप्राइज जो है वो इन्जॉय करें, और बाकी जो जेंट्स वगैरह हैं वो जा चुके हैं जी ट्यूबवेल पे इन्जॉय शॉय करने, वो भी आप लोगों को, मैं तो नहीं गई तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो लोग अगर पिक्चर्स वगैरह लेंगे तो मैं एंड पर अटैच कर दूँगी, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि उन लोगों ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। सो गाइज अभी ना यहाँ पर बहुत ही मज़े का सीन है, गर्मी तो है लेकिन ना एक यहाँ पर हमें बहुत ही प्यारा सा शिप्पू मिला, और शिप्पू के साथ हम लोग खेलेंगे भी, उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगी। और यहाँ पर छोटा सा बिल्ली का बेबी था, कोई मतलब बहुत छोटा सा है, और ये मेरे शूज़ के ऊपर बैठ गया है आकर, और ना मैं इसको देख ही रही थी, इसके वीडियो बना रही थी, और ये मुझे देख रहा था काफ़ी देर से, ऐसा हो रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और अचानक से ये छलांग मार के ना मतलब चारपाई पर आ गया था, और मैंने जो चीख मारी और सारी बोतल मेरे कपड़ों पर थी, तो इसने जो है ना छोटे से बिल्ली की बेबी ने बहुत बड़ा डिज़ास्टर कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना अभी खाना लग चुका है, और हम लोगों ने जो है ना बोतल के साथ स्नैक्स वगैरह निमको शिमको इन्जॉय किया, एंड साथ यहाँ पर आ चुके हैं मेलन, और अभी मेलन खा रहे हैं हम लोग। और ये है जी छोटा सा शिप्पू, अभी ये बंद है, शाम होती है थोड़ा सा मतलब मौसम वगैरह सही होते हैं हम इसके साथ खेलेंगे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर शिप्पू भी है, साथ में छोटा सा बिल्ली का बेबी भी है, एंड साथ मुर्गियाँ शुर्गियाँ भी हैं, तो मतलब फुल रौनक लगी हुई है इन लोगों की ही। तो यहाँ पर हम लोग इनके साथ खेल भी रहे हैं, उल्टा मुझे डर भी लग रहा है कि जैसे बिल्ली के बच्चे ने ऊपर छलांग मारी ना ये ना मार दे, तो ये नीचे आती थी क्योंकि ऊपर छत पर गर्मी होती थी, तो ये लोग नीचे आ जाते थे खेलते खेलते ना ये मुर्गियाँ, तो मतलब वापस इन्हें ऊपर भगाते थे, और मतलब इनके पीछे बस टिक लेकर जाओ ये फ़ौरन खुद ही ऊपर चली जाती थी। तो अभी मुर्गियाँ जो है ना कभी ऊपर जा रही हैं कभी नीचे आ रही हैं, यहाँ पर शिप्पू जो है ना आराम से बैठा हुआ है, एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि ना अभी शायद पता नहीं आंटी कह रही हैं कि शायद ये किसी से नाराज़ है, या फिर अभी जैसे ही कोई मतलब साइड पे से नज़र नहीं आ रहा होता ना अकेला होता है ये तो बोलना शुरू कर देता है, और इतना क्यूट है ना मतलब फुल टेम है। और ये जो शिप्पू का बेबी है ना इनके पास 5 डेज़ का आया था, और अभी ये 3 मंथ्स का हो गया है, और ये जो है ना कुछ चारे चारे नहीं खाता, ये सिर्फ दूध पीता है, और ये दूध पी पी कर ना ये माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया, और मैंने ना इतना सा शिप्पू आज तक नहीं देखा, इतना प्यारा था ये मुझे ना काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, मैं दिल करता बस मैं खेल लूँ इसके साथ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा खेतों शीतों में फिरने, लेकिन अभी हम लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में ना मतलब यहाँ पर भाई मिल गए थे, और वो कह रहे थे कि सारे ना वापस आ रहे हैं मध्य रात खाना शाना खाने, तो आंटी जो थी ना यहीं से वापस चली गई थी, एंड अभी ना हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे शिप्पू के आने का, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड हुआ था कि अपने साथ शिप्पू को भी थोड़ी सी ना वॉकशॉप करा देते हैं। तो अभी शिप्पू भी आ चुके हैं, हम लोग भी आ चुके हैं, और रास्ते से आंटी वापस चली गई थी और साथ ही शिप्पू भी वापस चला गया था, लेकिन हम लोग आगे चले गए थे, तो अभी अचानक से अंधेरा भी होने वाला है और तकरीबन हो भी चुका है। सो हम लोग प्रॉपर खेतों में तो नहीं गए थे, बस थोड़ा सा हम लोग वॉक करके ना वापस आ गए थे, तो थोड़ा सा हम लोग आगे गए थे, थोड़ा सा हम लोग मतलब रोड पर ही फिर कर ना वापस घर चले गए थे, क्योंकि जो है ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, कुछ नज़र तो आना नहीं था, तो ऐसे हालात में खेतों पर जाके हम लोगों ने क्या ही करना था, इंशाल्लाह किसी और दिन चक्कर लगाएंगे तो तब हम लोग खेतों पर जो है ना सारा टूर शूअर कर लेंगे। एंड आप लोग देख सकते हो कि अंधेरा हो चुका है फुल, तो आस पास के जो खेत है ना वो कैप्चर नहीं हो रहे, सो अभी ना हम लोग घर चलते हैं, और घर जाके बाकी का जो है ना व्लॉग मैं आगे से कंटिन्यू करूँगी, तो यहाँ से अभी का व्लॉग जो है ना मैं रोक देती हूँ।
तो गाइस अभी मैं यहाँ पे घर आ चुकी हूँ एंड यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची दानी है, उससे मेरी बातें हुई हैं, मेरी उससे दोस्ती हुई है और उसे यकीन ही नहीं आया था कि मैं मतलब ना मेरा BS कंप्लीट हो चुका है। उससे लग रहा था कि मैं अभी ना छोटी हूँ और बहुत ही प्यारी बच्ची थी मेरी, उससे दोस्ती शोस्ती भी हो गई है तकरीबन। और यहाँ पर अभी खाना लगना स्टार्ट हो चुका है, खाना लग रहा है और थोड़ी देर तक अभी सारे ऊपर आ जाते हैं तो खाना शाना शुरू करेंगे। एंड फाइनली ये मर्द हजरात भी आ चुके हैं, लोगों ने अपनी शक्ल दिखा दिया, खूब इंजॉय करके आए हैं और ये फुल थक भी चुके हैं। और हम लोग तो सुबह से मतलब यहाँ पर बैठकर बातें शर्त कर रहे थे, रेस्ट वगैरह कर रहे थे और ये लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करके आए हैं और अभी सब जो है खाना शाना खा रहे हैं। एंड खाने में बता देती हूँ, आज है यहाँ पर बीफ कौरमा, साथ बीफ बिरयानी, साथ मैंगोज, साथ आइसक्रीम और साथ फ्रूट्स वगैरह थे जैसे कि मेलन वगैरह और बोटल शोटल, सैलेड, रायता और घर का बना हुआ अचार जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का था और फुल मतलब जो है ना प्योर अचार था वो वाला। सो अभी ना यहाँ पर सब खाना शाना डाल रहे हैं, ये है मेरी प्लेट, मैं भी अब खाना शुरू करती हूँ। मामा ने गोश्त डाल ही दिए सो मुझे अब लगता है कि खा लेना चाहिए, तो अभी जो है ना ये मैं खा लेती हूँ। बिकॉज गाइज ऐसा नहीं है कि मैं बीफ खाती नहीं हूँ, मैं बीफ खाती हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन मैं ना कुर्बानी का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है मतलब उसमें जो एरोमा होता है ना उसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, सो इसलिए मैं वो मतलब कोशिश करती हूँ मैं वो ना खाऊँ। हालाँकि वो खाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अभी जो है ना इसे इस साल मैं ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि अभी ना मेरी इन दिनों तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, थोड़ी सी मुझे फीवर शीवर हुआ हुआ था, तो मैं इसे ना मतलब स्नैक्स वगैरह पे गुजारा कर रही थी क्योंकि हैवी खाना मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी क्योंकि हैवी शेवी हो रहा था मुझे ना थोड़ा सा। सो अभी यहाँ पर पूरा आइसक्रीम का जो है ना कर्टन जो है वो है, अभी हम लोग आइसक्रीम खाने लगे हैं और कुल्फा फ्लेवर है, तो खाना शाना भी हो चुका है, अभी ना आइसक्रीम वगैरह मैं खाने लगी हूँ और उसके बाद जो है ना शिप्पू के साथ खेलेंगी क्योंकि जो है मौसम अभी ना रात के टाइम जाके फुल तेज़ तेज़ जो है ना हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जिसे कह सकते हो कि एक किस्म की आंधी आ रही है। तो इधर है जी मेरी आइसक्रीम और बाकी सब भी ना खाना शाना खा रहे हैं, मैं अपनी आइसक्रीम खाती हूँ उसके बाद जो है ना मैं जाके थोड़ी सी वॉक शो करूँगी क्योंकि मौसम जो है बहुत मज़े का हो गया है और अब जो है मुझे मज़ा आना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ना हम थोड़ी देर तक निकलने वाले हैं। और अब जो है ना ये शिप्पू भी खुल चुका है, ये भी नीचे वॉक करने गया हुआ था, अब वापस ऊपर आ चुका है और ये ना जो फुल मज़े के मूड में हुआ है, फुल इन्जॉय कर रहा है, कभी इस रूम में जा रहा है, कभी उस रूम में जा रहा है, कभी बर्तनों में जो है ना खाने वाले बर्तनों में, वहाँ जाके पता नहीं क्या खाना चाह रहा है ये, तो मतलब अभी ना इसका फुल मूड ऑन है। बाय द वे गाइस मुझे इसका नाम नहीं पता, ये शिप्पू नाम इसका मैंने रखा है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सूट कर रहा था, शिप्पू छोटा सा तो था तो शीप तो नहीं कह सकते, शिप्पू ही कहेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हो पता नहीं ये क्या खाना चाह रहे हैं, वैसे ये खाना सॉलिड चीज़ कुछ भी नहीं खाते, ये सिर्फ दूध पीता है, लेकिन यहाँ पर अभी ना पता नहीं ये शायद कुछ सॉलिड खाना चाह रहे हैं क्योंकि इसका दिल कर रहा है सॉलिड खाने का। और यहाँ पर ये बच्ची आई है और इसने जो है ना इसका टेम है मतलब इसको आदत है इस तरह की, उससे प्यार भी बहुत करता है ये बच्ची, जहाँ जाती है ना शिप्पू उधर जाते हैं, ये बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, ये बच्ची अनाबिया थी। एंड हम लोग ना बस अभी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह हमारे पास आ जाए और हम इसके साथ खेलें, तो अभी जो है हम इसको पास लेकर भी आए थे लेकिन ये वापस उधर ही भागे जा रहा है बर्तनों के पास से। आज ये दोपहर में बांधा हुआ था लेकिन इसे बांधते नहीं हैं, ये पूरे घर में ऐसे ही फिरता है, ये जब से बच्चे नहीं होते छोटे बिल्कुल इसी तरह इसको ट्रीट किया जाता है, और थोड़ा सा मतलब इसने तंग करना था तो इसलिए आज थोड़ा सा ना इसे बांधा हुआ था। तो यहाँ पर मामू से पहले प्यार करे थे और अभी इसने ना इसे मजाक मजाक में सज़ा दी हुई है, इसको यहाँ पर पकड़ के जो है ना मामू ने खड़ा किया हुआ है क्योंकि ये टिकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा शरारती है। सो अभी मामू इसे मजाक मजाक में ना इसके कान पकड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि ये ज़्यादा ना शरारतें ना करें। मामू को, भाई को, मुझे सबको ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और हम काफ़ी ज़्यादा इससे खेल भी रहे थे, तो अभी यहाँ पर मामू ने इसे पकड़ा हुआ है, अभी ये यहाँ से फ्री होता है तो इसको हम लोग अपने पास बुलाते हैं और इसके साथ फिर खेलते हैं। और यहाँ पर अभी बाकी सारे बैठकर ना बातें शातें कर रहे हैं, चाय इन्जॉय कर रहे हैं और हम लोग ना अबू के साथ मजाक कर रहे थे। अबू ने कहा था, हम लोगों को एक कहावत सुनाई थी, डू एट रोम एज अ रोम डू, क्योंकि ये लोग ना सारे अभी ट्यूबवेल पे गए थे, वहाँ पर इन लोगों ने हुक्के शुक्के पिए, तो मतलब इन्होंने इसका मतलब क्या होता है, डू एट रोम एज अ रोम डू, जैसे जैसा देश वैसा भेज, तो मतलब वहाँ जाके कभी हम लोगों ने हुक्के शुक्के नहीं पिए घर में, तो हम लोग गाँव में आए थे तो ट्यूबवेल में भी नहाए, हुक्के शुक्के जो है वो पिए, तो नाना बू ने यहाँ पर भाई को बताया डू एट रोम एज अ रोम डू, जैसा देश वैसा भेज, जैसे मतलब हम लोग जो शहरों में नहीं करते गाँव में आए तो हम लोग अपने आप को वैसे ही मतलब ना ट्रांसफॉर्म कर लें। सो अभी ये शिप्पू हमारे पास आ चुका है और हम लोगों ने ये जो कहावत थी ना डू एट रोम एज अ रोम डू, हमने इसका टंग ट्विस्टर बनाया
कि मतलब तीस से हम लोगों ने 5 times बोला, किसी से भी नहीं बोला गया। खैर मुझे प्रैक्टिस हो चुकी थी एंड मैंने जो है बिल्कुल ठीक बोला, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों से होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है ना इसमें कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं इस जरबल मिसल को बोलने में या नहीं। सो यहाँ पर ये था सारा सीन। अभी इसको ना सब प्यार कर रहे हैं क्योंकि ये है ही ऐसा, इसको मतलब कौन प्यार नहीं करेगा। तो बस हम थोड़ी देर तक ना निकलने वाले हैं। हम लोग ना निकलने लगे थे लेकिन आंटी ने रोक लिया, तो वो अभी चाय बना रही हैं और बस चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे। और चाय भी ना वैसे तो मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन मुझे ना यहाँ गाँव की चाय बहुत पसंद है, क्योंकि पहले भी जब मैं खेत में आई थी तब भी बहुत मज़े की थी। मैं अपने गाँव जाती हूँ ना तब भी बहुत मज़े की होती है, और यहाँ पर भी जो है ना मैं दोबारा से ट्राई करना चाहूँगी कि कैसी बनती है। सो अभी चाय शाय पियेंगे और सब बातें शातें कर रहे हैं, फुल माहौल बनाया हुआ है। और शिपू देखो कैसे, मतलब इसको ना हम लोगों ने चारों तरफ से बंद कर लिया है, मतलब टांगे शांगे रख के, कि हम लोग इसको यहाँ से निकलने नहीं दे रहे। और फुल अभी ये नाराज़ हुआ है, जैसे छोटे बच्चे नाराज़ ही हो जाते हैं आजकल के छोटे बच्चे, मतलब इसी तरह ही करते हैं ना कि मतलब एक कोने में जाके बैठ जाते हैं या मुँह नीचे करके बैठ जाते हैं, नाराज़ होते हैं। तो ये भी वही कर रहे हैं। ये देखो तुम लोग हरकतें चेक करो इसकी। तो यहाँ पर हमें इस पर तर्स आ गया था, इतना क्यूट है, तो हम लोगों ने इसे छोड़ दिया था। और जैसे ही छोड़ा तो फ़ौरन देखो निकल चुका है, फिर से उसके वही काम स्टार्ट हो गए हैं, कभी इस रूम में जाना है कभी उस रूम में जाना है, पूरे मतलब घर का जो है ना इसने टूर ज़रूर लेना है। तो अब मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मौसम भी अच्छा हो गया, सब बातें शातें कर रहे हैं, और मेरी भी जो है ना सबसे नो हाउ हो चुकी है, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पर ना एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो अभी चाय आ चुकी है, चाय पीने लगे हैं, और मैं आपको ना सबकी पिक्चर्स दिखाती हूँ जो इन लोगों ने टूर वगैरह में जाके इन्जॉय किया। वीडियोज़ तो इन्होंने नहीं बनाई, पिक्चर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना अभी शेयर करती हूँ व्लॉग में, वो आप जाएं और जाके देखें कि इन लोगों ने ना कितना एंजॉय किया जब हम लोग यहाँ पर बैठ कर रेस्ट कर रहे थे। तो जब तक आप जाके वो पिक्चर्स देख रहे हैं तब तक मैं अपने यहाँ पर चाय एंजॉय कर रही हूँ, 2 cups चाय, आए हाय दो कप की तरह ये रहती। तो लेट्स चीयर्स, यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ। सो गाइज़ ये है इन सब के पिक्चर्स, हुक्का शुक्का पीते हुए। वैसे ट्यूबवेल की पिक्चर जो थी ना वो मामू के फ़ोन में थी, और मेरे फ़ोन में जो थी वो सिर्फ ये हुक्का शुक्का वाली पिक्चर्स थी। तो यहाँ पर इन लोगों ने फुल गुज्जर वाली जो वाइब है ना वो बना के यहाँ पर सारे जो है ना इन्जॉय कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हो कि इन लोगों ने ना कितना इन्जॉय किया है। ट्यूबवेल का भी ना इनका जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा फिट था, इतना शिफाफ पानी था और बहुत बड़ा ट्यूबवेल था। तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, यहाँ पर हैंड पंप लगा हुआ है और यहाँ से फुल प्योर पानी आता है, तो यहाँ पर फिल्टर शिल्टर की जरूरत नहीं होती। और ये देखो शिपू हमारे साथ हमें गुड बाय करने नीचे आया हुआ है, और यहाँ पर गाड़ी जो है ना मामू लिया है, अब सब चलते हैं घर। और बस अब हम लोग निकल चुके हैं और सबको बस बाय बाय कह रहे हैं, और हम लोगों ने रूफ ऑन कर लिया क्योंकि मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा फिट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय होने वाला है। अभी बस घर चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बस घर जाके ना सबसे पहले हम लोगों ने सोना है और कोई काम नहीं करना है। बाकी सारी जो सफाइयाँ वगैरह ना वो कल करेंगे, क्योंकि अभी किसी के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बहुत मज़ा आया आज का दिन, बहुत ज़्यादा थका देने वाला था लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। पहले हम लोगों ने घर में गेट टुगेदर किया, उसके बाद हम लोगों ने फुल गाँव की वाइब ली है। थक तो काफ़ी गई हूँ लेकिन जो है ना आज का दिन बेस्ट दिन था। और इसी के साथ हमारी ईद भी ख़त्म हो चुकी है, ये ईद 3 था, आज ईद ख़त्म हो चुकी है। तो इन मुबारक मैं दोबारा से नहीं बोलूँगी क्योंकि ईद इज़ एंड। सो अभी कल है ईद का 4th डे, ईद का 4th डे नहीं मतलब कल जो है ना ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हम देखते हैं कि कल हम लोग कहीं जाते हैं नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ियाँ जो है ना स्विच कर ली हैं और अभी हम लोग दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं। एंड आगे भी हमारी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत है, अभी एक और जो है ना भाई की दावत आ रही है शादी की, इसके अलावा शादी भी आ रही है। तो एक दो दिन तो यहाँ पर निकल जाएंगे, बल्कि 2-3 दिन तो यहाँ पर निकल जाएंगे, उसके बाद एक सरप्राइज़ और है आप लोगों के लिए, वो हम लोग ना अभी डिसाइड कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों को इसलिए बता रही क्योंकि वो ना कन्फर्म नहीं है, और अगर वो हो गया तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। अभी ना उसकी अरेंजमेंट्स वगैरह हो रही हैं और सबको मनाया जा रहा है कि बस सारे मान जाए, तो वो प्लान भी ना एग्जीक्यूट कराते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। सो यार जल्दी से जाओ, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, फटाफट से जो एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू शेयर माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।